हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उनकी माली हालत कैसी रहेगी, घर में किलकारी बजेगी या सहनाई गुजेगी, या भूमि भवन से लाभ होगा, या गाड़ी खरीदेंगे, या राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, पत्नी का हेल्थ कैसा रहेगा, और आज आपका विदेश यात्रा का योग है कि नहीं, या जो आप प्लान करते हैं उसमें आपको क्या सफलता मिलने वाली है, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, और आज आपको क्या सावधानियां बरतनी है, उपाय क्या करना है। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप क्या करें कि वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ज्योतिष से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, जानना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको चतुर्दिक रूप से लाभ मिलेगा, माली हालत आपके सशक्त होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए या नए कार्य के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो आज आपको सफलता मिलेगी। अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आयात निर्यात से धन लाभ मिलेगा, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी या माइंस या कोयले के फील्ड में अगर आप कोई नया कार्य करने की अपनी योजना बना रखी है तो योजनाएं आपकी सफलीभूत होते हुए दिख रही है। माली हालत सशक्त होगी, पाइपलाइन में जो भी कार्य है उसमें सफलता मिलेगी। साझेदारी में किया गया कार्य से थोड़ा बचने की जरूरत है, नहीं तो उसमें नुकसान हो सकता है। अज्ञात व्यक्ति से कोई भी डील लेन देन न करें। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में चिंता हो सकती है। पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा। अधीनस्थ और उच्चस्थ जो लोग हैं आपके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ आज आपकी वैचारिक मतभेद हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें, जो भाषा जो बात जो आपको अप्रिय लगे उस तरह का व्यवहार आप दूसरों के साथ ना करें। कटु भाषा प्रयोग करने से बचने की जरूरत है। अपनी एनर्जी पॉजिटिव लगावें, जो एनर्जी आप नकारात्मक सोच में लगाते हैं नकारात्मक दिशा में लगाते हैं, अगर वो पॉजिटिव लगाते पॉजिटिव सोचते तब बहुत बड़ा कर सकते थे। और या आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपकी संततियों का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, द्रुत गति की गाड़ी चलाने से बचें, और धर्म की आलोचना करना अगर किसी चीज की है तो आप आलोचना वगैरह एकदम नहीं करेंगे, धर्म के प्रति आपकी अगाध प्रेम रहेगा और ईश्वर में आपकी अटूट आस्था रहेगी और दैवी कार्यों से आज आपके सारे कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगेगा कि कहीं परेशानी है तो आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ आध्यात्मिक तौर आपकी मदद लगेगा कर रहा है, तो आपको बड़ी अध्यात्म के प्रति ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। गुस्सा एकदम न करें, जल्दबाजी में किया गया कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो जल्दबाजी में न करें। बच्चों के प्रति देख रेख रखें, घर में शुभ कार्य हो सकता है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अज्ञात व्यक्ति से कोई डील न करें, साझेदारी में व्यापार न करें और अपने को थोड़ा फोकस होके कार्य करने की जरूरत है। और आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको क्या उपाय करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करना है। भगवान श्री गणेश को आज आप लड्डू मोदक अर्पित करें और गरीबों को शिक्षा का, पढ़ाई का, भोजन की अगर प्रबंध करते हैं तो अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है केसरिया कलर। हरे कृष्ण।